सब्सक्राइब करो संस्कार क्रिएशन को, दबाओ टंटन वाली घंटी और रोज देखो पिक्सार के न्यू न्यू वीडियो। हाँ तो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू संस्कार क्रिएशन। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं ले आया हूँ सबसे बेस्ट एडिटिंग हेयर एडिटिंग ऐप। ये ऐप है फ्रेंड्स, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ऐप को डायरेक्ट ले सकते हो, बस क्लिक करके डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा हेयर एडिटिंग ऐप है, अभी न्यू है तो हम सबसे पहले तो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करो। प्लस का ऑप्शन क्या था, ऊपर एक एल्बम जैसा ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अपनी एल्बम में जाओ और अपनी कोई सी भी फ़ोटो चॉइस कर लो। जैसे कि यहाँ फ्रेंड्स दो मिनट रुको, मैं फ़ोटो ढूंढ लेता हूँ। ये मैंने एक फ़ोटो चॉइस कर ली है, इसको अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर लो और यहाँ राइट पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ थर्ड पे ऑप्शन देख सकते हो, ये एक फिंगर जो नीचे पॉइंट कर रहे हैं, इस पर क्लिक करो और यहाँ थर्ड पे एक ब्रश मिलेंगे, बहुत सारे ब्रश है, थर्ड वाला ब्रश चॉइस करो। उसके बाद ब्रश की साइज़ कुछ कर लो 35-40 और ओपेसिटी तो हम 100% रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहीं नहीं, बस यहाँ से डायरेक्ट हम उसकी हेयर एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्ट बस हम यहाँ से फ़ोटो थोड़ी ऐसी रोटेट कर लेते हैं जिससे हमको ईजी पड़ेगा। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो ये ऐप अभी तक सबसे अच्छा ऐप निकला है ऑटो टास्क और इन सब के मुकाबले। मेरा मानना है, आप लोगों को जैसा लगे, पर मेरा मानना है कि ये ऐप सबसे इजी है, बहुत इजी है यूज़ करने का, क्योंकि ऑटो टास्क में फिंगर प्रॉब्लम्स बहुत रहती है। ऑटो टास्क में थोड़ी सी गलती हुई कि सब कुछ कचरा हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं कचरे की। इसमें आप आराम से एकदम स्मूथली एडिटिंग कर सकते हो, स्मूथली एकदम। देखो फ्रेंड्स मैं आपके सामने करके दे रहा हूँ, एकदम स्मूथली जिस हिसाब से फ्रेंड्स बाल जा रहे हैं उस हिसाब से हम एडिटिंग करेंगे, है ना, जिस हिसाब से बाल जा रहे हैं। जिस हिसाब से हमें बाल जा रहे हैं उस हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं ना। ये हमें बाल कुछ इस हिसाब से जा रहे हैं, तो हम कुछ इस तरह की एडिटिंग करेंगे इसमें ना, कुछ इसी तरह की एडिटिंग होनी चाहिए हमारी। अब इसके बाद पूरी यहाँ तो ये स्ट्रेट नीचे जा रहे हैं, तो इनको डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे कर लें। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटली नीचे आ गए हमारे बाल, और यहाँ से इनको थोड़ा शेप और दे देंगे। ओ सॉरी, थोड़ा हाथ थोड़ा खींचा गया है, पर चलेगा हमको। हम उसको भी थोड़ा अकम्प्लाइज करके उसको भी हमारे बाल टेक्सचर्स में ऐड कर लेंगे। ये देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी अच्छी। फ्रेंड्स बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड वॉइस के लिए थोड़ा माफ़ कर देना, क्योंकि बैकग्राउंड में ज़रा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, डॉग्स बार्क है, उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, डॉग्स को कोई थोड़ी रोक सकता है। और हमारे पास इतना अच्छा माइक नहीं है कि हम उसमें अच्छे से एक अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकें। तो फ्रेंड्स आप यहाँ आराम से देख सको फ्रेंड्स कितनी शानदार तरीके से फ्रेंड्स ये एडिटिंग हमारी हो चुकी है, पूरा हेयर एडिट हो चुका है। फ्रेंड्स इसके बाद इसको सेव करने के लिए यहाँ राइट पर क्लिक कर दो। और फ्रेंड्स अगर आप चाहो कि इसको पिक्सार्ट में हमको शेयर करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट